हाय सर, सर प्लीज कट्टी नहीं की पूरे। माई नेम इज़ वरुण पुंजानी, मैं यूनिवर्सल रोबोट का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। यहाँ पर हम लोग अपना कोलोबरेटिव रोबोट्स शो कर रहे हैं और ये रोबोट्स ह्यूमन रोबोट कोलोबरेशन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। दीज आर ऑल्सो वर्क ऑन द इंडस्ट्री 4.0। उसके साथ हम लोग पहली बार लुधियाना में अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट एप्लीकेशन दिखाए जा रहे हैं, लाइक इंस्पेक्शन, दूसरा आपका पिक एंड प्लेस, तीसरा आपका पैलेटाइजिंग एंड और कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम लोग ये रोबोट यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लुधियाना वैसे भी आयरन सिटी कहा जाता है और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, साइकिल इंडस्ट्रीज अ बिग स्कोप फॉर अस एज वेल एज सम स्मॉल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट्स हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनको ये प्रोडक्ट दिखाएं, अब वो लोग इन प्रोडक्ट को यूज़ करें, आगे चल के मुझे लगता है कि अच्छा बिजनेस किया जा सकता है लुधियाना में। भारत सरकार की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उसमें सारे PSUs को सेंट्रल गवर्नमेंट के 20% MSME से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है और 4% आउट ऑफ दियर टोटल प्रोक्योरमेंट उनको खरीदना है SC ST ओन एंटरप्राइजेस से। उनके प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कार्यक्रम है, जिसमें के तहत आज यहाँ लगभग 300 के आसपास कंपनियाँ हैं और 17 से ज़्यादा स्टेट्स के लोग आए हुए हैं और हमें लग रहा है कि ये कंपनियों के लिए फ़ायदा होगा जो एग्जीबिटर्स हैं और जो प्रोजेक्टेड बायर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। MSME को तो लुधियाना को हमने गुरुत्व उस दिन प्रदान किया जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही यहाँ आए थे और यहाँ उन्होंने SC ST हब और जीरो डिफेक्ट स्कीम का लॉन्च किया था और दोनों स्कीमें आगे बढ़ रही हैं, उसी के तहत यहाँ भी आज कार्यक्रम हो रहा है, तो सारी चीज़ें लुधियाना के लिए MSME के लिए जनरली तो हो ही रही। थैंक यू वेरी मच।